आरएसए वाल का बुक में देख लोगे, ओल्ड न्यू जो भी हो अलग अलग एक्सरसाइज होगा, क्वेश्चन मतलब सिमिलर इसी तरह का रहेगा। कुछ क्वेश्चन बनाते हैं और फिर डायरेक्ट उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो एक एकदम इजी सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में दिया हुआ है एक फिगर, पहले तो फिगर ही बना लेते हैं। ये एक फिगर दिया हुआ है, ठीक, ये 150 डिग्री दिया हुआ है, ये 70 डिग्री दिया हुआ है, ये ए बी, यहां पे ओ, यहां पे सी, यहां पे डी, ठीक है, बाकी चीजें नहीं दी हुई है। बाकी चीज क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है कि इन दिस फिगर ट्रायंगल ओ डी सी, ये क्वेश्चन नंबर आपका है टू। इस क्वेश्चन में दिया गया ट्रायंगल ओ डी सी, ओ डी सी सिमिलर है ट्रायंगल ओ बी ए के, ठीक है ना, ओ डी सी। अब आपको नेमिंग नहीं करना, ऑलरेडी ये नेमिंग कर दिया है, दिया हुआ कि ओडीसी सिमिलर है ओबीए के, एंड उसमें आपका फिर दिया हुआ कि एंगल बीओसी, जो कि आपको फिगर में भी दिखाई दे रहा है कि एंगल बीओसी 150 डिग्री है, एंगल सीडीओ जो है 70 डिग्री है, और आपको फाइंड करना है तो लिखा हुआ कि एंगल डीओसी फाइंड करना है आपको, फिर एंगल DCO फाइंड करना है, फिर आपको एंगल OAB फाइंड करना है, फिर एंगल OBA फाइंड करना है। उतना आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है यहां पे। सबसे पहला बात कि जो दिया हुआ है उससे मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन निकलता है, तो ODC OBA के सिमिलर है, मतलब कि यहां से एंगल O, लेकिन चूंकि यहां पर एंगल अब ओ नहीं बोल सकते, क्योंकि ओ का मतलब क्या, ओ का मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल या ये वाला एंगल, कंफ्यूजन हो गया ना। तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि अब यहां पे इस तरीके से लिखते हैं डीओसी, पहले देखो यहां से शुरू कर रहे हैं, एंगल डीओसी, ठीक है ना, डी से हम ओ गए, ओ से सी गए, तो ये वाला एंगल बना, तो DOC इक्वल होगा BOA के, BOA के, और ऐसे भी ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट है, लेकिन हम नेमिंग में भी चेक कर लेते हैं, तो DOC BOA के बराबर होगा। फिर आपका एंगल अगर ऐसे लिखते हैं ODC, एंगल ODC तो एंगल OBA के बराबर होगा, तो ODC OBA के बराबर होगा। OBA तो हमको निकालना है ना, तो लिखेंगे कि सिंस, सॉल्यूशन में आ जाओ और सॉल्यूशन लिखना शुरू करो, तो सॉल्यूशन में लिखना शुरू करेंगे कि सिंस ट्रायंगल ODC सिमिलर है ट्रायंगल OBA के, देयरफॉर एंगल OBA, OBA देखो यहां से लिखा OBA इक्वल हो जाएगा एंगल ODC के, और एंगल ODC आपका एंगल ODC कितना दिया हुआ, ODC देखो ODC दिया हुआ 70, तो ODC आपका दिया हुआ है 70, हो गया। अब एक निकल गया आपका, निकल गया कौन सा, ODC, ODC निकल गया, OBA, ये आपका निकल गया। एक चीज और देखिए कि ये एंगल दिया 150 डिग्री, तो यहां से इसको ले लीजिए, क्या होता है ना कि ये दोनों मिल करके एक लीनियर पेयर बनाता है, ये दोनों आपस में एक स्ट्रेट लाइन देती है, स्ट्रेट लाइन रहता है ना, तो यहां से अगर ऐसा एंगल हो तो इसको कहते हैं लीनियर पेयर, तो लीनियर पेयर का जो एंगल होता है उसका सम 180 डिग्री होता है, सम ऑफ लीनियर पेयर इज 180 डिग्री,
तो फिर हम लोग यहां के बाद लिखते हैं कि एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी या डी ओ सी दोनों लिख सकते हैं। बी ओ सी देखो बी ओ सी ये वाला एंगल हो गया, एंगल डी ओ सी ये वाला एंगल हो गया, इन दोनों का सम एंगल डी ओ सी इक्वल हो गया आपका 180 डिग्री। और क्यों, यहां आप लिखेंगे सम ऑफ लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, ठीक है ना, सम ऑफ लीनियर पेयर से। तो एंगल बी ओ सी तो मालूम है आपको कितना, 115 डिग्री। यहां पर लिख देते हैं 115 डिग्री। एंगल डी ओ सी नहीं मालूम है, चलिए कोई बात नहीं, 180 डिग्री। तो यहां से एंगल डी ओ सी एक बार किसके हो कितना हो गया, वन इधर चला जाएगा 180 माइनस 115, कितना आ गया एंगल 65 डिग्री। क्लियर आ गया। अब मेरा यहां से आ गया एंगल डी ओ सी इक्वल टू 65 डिग्री, ठीक। अब आपका ये भी एंगल फाइंड हो गया, अब क्या बचा, डी सी ओ। तो डी सी ओ निकालना है, अगर आपको ये मालूम चल गया कि ये एंगल है आपका 65 डिग्री, अब मालूम है कि ये एक ट्रायंगल के अंदर, एक ट्रायंगल के अंदर सारे एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। ये एंगल और ये एंगल मिलकर कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। तो फिर हम लोग इसी में लिख देते हैं कि इन ट्रायंगल ओ सी डी, ओ सी डी एक ट्रायंगल ले लेते हैं, और फिर ओ सी डी में हम लिखते हैं कि एंगल डी ओ सी प्लस एंगल ओ डी सी प्लस एंगल डी सी ओ, डी सी ओ 180 डिग्री। क्यों, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो यहां से डी ओ सी, डी ओ सी कितना दिया हुआ है, डी ओ सी यहीं पर निकाला है 65 डिग्री। ओ डी सी, ओ डी सी 70 डिग्री, और डी सी ओ नहीं मालूम है, इक्वल टू 180 डिग्री है ना। एंगल डी सी ओ कितना हो गया, डी सी ओ 180 माइनस 135, कितना हो गया माइनस हो गया 45 डिग्री, 45 डिग्री आ गया। तो एंगल आपका आ गया, ये वाला एंगल आ गया कितना डिग्री, 45। जब ये 45 डिग्री आ गया तो एंगल सी के बराबर, ये एंगल क्या है, ए, मतलब कि आपका यहां पे ए, ओ ए बी भी आपका हो जाएगा 45 डिग्री। तो एंगल ओ ए बी इक्वल टू भी 45 डिग्री। क्लियर हो गया, इसको इरेज कर देते हैं, बाकी सब आप उसको देख करके। देखो
देखो ये फिगर दिया हुआ है इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी है, एबीसी के दो साइड को एबी और एसी को ई और डी जो है इंटरसेक्ट कर रहा है। यहां पे इस तरह का देखो, यहां पे एक सिंगल लाइन मारे हैं बी पे और डी पे एक सिंगल लाइन मारे, इसका मतलब ये दोनों एंगल बराबर है, मतलब एंगल बी और यहाँ का एंगल डी इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पे और आपका क्या दिया हुआ है कि पहले आपको कह रहा है कि शो करना है, अच्छा पहले तो और जो जो दिया हुआ है, दिया हुआ कि ये एंगल आपके इस एंगल के बराबर है, पहला चीज तो दिया हुआ है क्या कि एंगल गिवन आप लिख लीजिए यहां पे, क्योंकि बाद में इसे आपको काम आएगा। दिया हुआ है कि एंगल एंगल ए टी ई, ए डी ई, ए डी ई बराबर है एंगल बी के, अच्छा इसको एंगल बी बोल सकते हैं लेकिन इसको एंगल डी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि एंगल डी तो डी में दो एंगल बन रहा है ना, एक यहां बन रहा है एक यहां बन रहा है, डी ये पॉइंट है और यहां पे देखो एक एंगल इधर बन रहा है एक एंगल इधर बन रहा है, तो तुम क्या समझोगे डी मतलब इधर ला कि इधर ला, लेकिन यहां पर बी में तो सिर्फ एक ही ना बन रहा है, तो ये सब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना चाहिए। तो इसीलिए लिखिए कि इस डी का मतलब हो गया कि ए डी ई, तो ए से डी, डी से ई, तो ये वाला एंगल इसके बराबर है। और आपका दिया हुआ है कि एडी, एडी बराबर है आपका 3.8 सेंटीमीटर, उसके बाद आपका एई दिया हुआ है 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है। उसका बीई दिया हुआ है, बीई दिया हुआ है आपका 2.1 सेंटीमीटर, और बीसी दिया हुआ है आपका 4.2 सेंटीमीटर, बीसी दिया हुआ है आपका 4.2 सेंटीमीटर, ये गिवन है, इतना सारा चीज आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ। अब तो प्रूफ में आइए, तो प्रूफ आइए या मतलब क्वेश्चन पूछ क्या रहा, ऐसे नहीं है तो प्रूफ लिखने की जरूरत भी नहीं है आपके। सबसे पहले तो कह रहा है कि आपको शो करना है कि ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई सिमिलर है ट्रायंगल एबीसी के, एबीसी के सिमिलर है, और जब ये सिमिलर हो जाएगा तो फिर फाइंड करना है। अगर पहले तो सिमिलर करना है और सिमिलर करने के बाद बोल रहा फाइंड कीजिए डीई को, मतलब पहला काम आप सिमिलर कर दीजिए, सिमिलर करने के बाद हमको उस डीई को फाइंड कर दीजिए। तो पहले हम क्या करते हैं कि यहां पर जो ट्रायंगल को सिमिलर करना है, एक तो ट्रायंगल है एबीसी, एबीसी का मतलब बड़ा वाला ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल है एडीई, तो हम क्या करते ना कि पहले एडीई को कलर कर देते हैं, देखो ये वाला छोटा वाला, इस छोटे वाला ट्रायंगल को बड़े वाला ट्रायंगल के सिमिलर करना है। तो बड़ा वाला ट्रायंगल के देखो, इस बड़े वाला ट्रायंगल में एंगल बी है और छोटे वाला ट्रायंगल का ये वाला एंगल आपस में बराबर है, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है, मतलब बड़ा वाला ट्रायंगल एबीसी का एंगल बी और छोटे वाला का एडीई इक्वल, एक एंगल दोनों बराबर हो गया ना, और दूसरा एंगल देखो ये वाला एंगल, इस एंगल को हम कहेंगे कॉमन एंगल। कॉमन एंगल का मतलब हुआ कि ये जो एंगल है ये छोटे वाले ट्रायंगल का एक पार्ट है और बड़े वाला का भी पार्ट है, तो दोनों में है ना, तो इसका मतलब कि एबीसी अगर लो तो एबीसी का एंगल ए और ए डी ई का एंगल ए कॉमन हो गया, इसका बी और इसका डी इक्वल हो गया, तो दो एंगल इक्वल हो गया तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो सीधी सी बात है, हम यहां पर लिखेंगे कि इन
प्रूफ में आते हैं, प्रूफ ही करना है यहां पर कि इन ट्रायंगल, पहले लिख देते हैं जो दिया हुआ ए डी ई, ए ना प्रूफ करना है, ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, ए डी ई और ए बी सी को हम सिमिलर करते हैं। तो पहले लिखते हैं कि एंगल ए डी ई, ए डी ई किसके बराबर है, एंगल बी के बराबर है ना। अब कैसे आप लिखे, आपको कैसे पता चले कि ये दोनों इक्वल है, हो सकता है ना कि आपको कैसे पता चला कि ए डी ई एंगल बी के बराबर है। भाई हमको पता चला क्योंकि ये गिवन है, क्वेश्चन में आपका दिया हुआ, इसको कहेंगे गिवन। ये लिखना मस्ट होता है, कैसे लिखिए, अपने मन से नहीं ना लिखोगे कुछ भी। फिर हम लिखेंगे कि एंगल डी ए ई, डी ए ई कहने का मतलब है कि डी ए ई, हम इस एंगल ए का बात कर रहे हैं, और यहां से एंगल बी ए सी, बी ए सी इसी एंगल का बात कर रहे हैं, दोनों इक्वल है, क्या कहेंगे इसको, कॉमन, ठीक है। तो फिर हो गया कौन सा क्राइटेरिया लिखेंगे, फ्रॉम एंगल, एंगल ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी। अब जैसे ही सिमिलर हुआ, एक बार आप ट्रायंगल को सिमिलर कर दिए, तो फिर उसके मतलब हुआ कि उसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल होगा। तो ये हो गया ना, यहां पे फ्रॉम एंगल एंगल ये दोनों को सिमिलर कर दिए, therefore अब यहां से तुम लिख सकते हो पहले AD, AD by में क्या लिखेंगे, AB, AD by में लिखेंगे हम AB, तो हम लिखेंगे AD by में AD by में लिखें AD बाय में लिख दिए ए बी, यहां से ए डी ए बी, यहां से अगर लिखेंगे डी ई, तो अगर यहां से लिखेंगे डी ई तो वहां से क्या लिखेंगे बी सी, ठीक है ना। यहां से लिख दिए हम डी ई, तो यहां से लिख दिए हम बी सी। हमको फाइंड क्या करना था, डी ई ही फाइंड करना, डी क्वेश्चन में सिर्फ डी ई फाइंड करना है, ठीक। अब ए डी देखो उसमें कितना है, 3.8 सेंटीमीटर। ए बी कितना है, ए बी ढूंढो तो 2.1 सेंटीमीटर, कहाँ है ए बी, नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं, नहीं दिया हुआ तो ए ई, ए ई दिया हुआ है ना, ए ई दिया हुआ है आपका 3.6, ए से ई तक ये दिया 3.6, और बी ई, बी ई कितना दिया हुआ है 2.1 सेंटीमीटर। तो आपका ए बी कितना हो गया, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो यहां पे लिखेंगे हम कितना, 5.7 सेंटीमीटर। डी ई तो हमको खैर निकालना ही है, और बी सी 4.2 सेंटीमीटर, ठीक। यहां से पॉइंट हटाओगे, यहां से पॉइंट हट जाएगा, सेंटीमीटर से आपका सेंटीमीटर कट जाएगा। 19 के टेबल में, 19 के टेबल में 38 आता है टू टाइप में, ये आएगा दो बार में, ये आएगा तीन बार में, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई जो बचपन से तुम करते हो, तो यहां पर लिखते हो 3 डी ई इक्वल टू 2 × 4.2 सेंटीमीटर। इसका मतलब हो गया कि आपका डी ई बराबर हो गया 2 × 4.2 बाय में 3 सेंटीमीटर। पॉइंट हटाना चाहते हो कि डायरेक्ट काट दे, काटोगे तो डायरेक्ट काट दो, जैसे 42 समझ लो, 3 को 42 से कितना आ रहा है
14 बार में 14, तो चूंकि एक का पॉइंट था ना, 1.4 यू हो गया 2 × 1.4, तो आपका आ गया डी कितना हो गया 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, आगे तुम लोग इस क्वेश्चन को आगे बाकी ट्राई करके लाओगे फिर हम आगे बताएंगे। एक बार थोड़ा सा रीड करना खुद से।